आप देखोगे गिम्बल अपने आप को रियलाइन करता है, सो इसका मतलब हमारा ड्रोन तैयार हो चुका है उड़ने के लिए। ठीक है, तो स्वागत अपने चैनल में फर्जी इंजीनियर्स, एंड आई होप आप लोग सब बहुत ही मस्त होंगे। और इस टाइम आप मेरे पीछे रुई जैसे बादल देख पा रहे होंगे, बहुत ही मस्त मौसम और नज़ारे। सो इस टाइम मैं हूँ नैनीताल में, और इस प्रॉपर्टी का व्लॉग कहाँ हम रुके हैं जल्दी आ जाएगा, तो आपको पता चल जाएगा कैसे आप बुक कर सकते हो क्या सब कुछ। सो आज ये वीडियो होने वाली है कि हाउ टू ऑपरेट अ ड्रोन, अगर आप बिगिनर हो, आपने ड्रोन खरीदा है फर्स्ट टाइम। सो काफ़ी फ्रांसिस, तो DJI Mini 2 है मेरे पास, तो बिल्कुल बेसिक से मैं बताने वाला हूँ कैसे फ़ोन को कनेक्ट करना है, पूरा जो ऐप का इंटरफेस है, और कैसे आप इजीली उड़ा सकते हो, और कुछ ऐसे उसके शॉट्स हैं जो प्रायर आपको एक्सपीरियंस ना होने के बावजूद भी आप ले सकते हो। तो चलो शुरू करते हैं वीडियो को, और अगर आप बिगिनर हो और आपको वीडियो इंफॉर्मेटिव लगी, आपके काम आई, सो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कर देना। चलो तो ये अपना कैमरामैन तैयार हो चुका, ये रहा अपना ड्रोन, अब मैं आएंगे तगड़े शॉट। तो ये अपना ड्रोन है, इसे सबसे पहले स्टार्ट करने के लिए जो उसके नीचे बटन है पावर बटन, इसको एक बार क्लिक करना है, और फिर दूसरी बार 3 सेकंड तक क्लिक करके रखना है ऐसे ऐसे ये। सो ये एक आवाज़ आती है जिसमें आप देखोगे गिम्बल अपने आप को रियलाइन करता है, सो इसका मतलब हमारा ड्रोन तैयार हो चुका है उड़ने के लिए। ठीक है, ये ऑन हो गया, उसके बाद रख देते हैं टेक ऑफ के लिए, उसके बाद फिर RC कंट्रोलर में आ जाता है। तो आपको पता होगा ऊपर से इसमें स्टैंड रहता है, और साइड में इसकी सी टाइप और आईफोन वाली केबल रहती है, जो भी आपका फ़ोन है मिनी USB तीनों आती है इसमें। सो कनेक्ट करने के बाद जो हमारी DJI Fly ऐप है, इसे हमें इंस्टॉल करके रखना है, और इसका APK जो है इनकी वेबसाइट पर मिलेगा, प्ले स्टोर पर नहीं मिलता है। उसके बाद रिमोट में भी सेम फंक्शन है, एक बार क्लिक करके फिर दोबारा, सो ये आवाज़ आती है, इससे पता चलता है हमारा कि रिमोट चालू हो चुका है। और ये जो 4 डॉट्स हैं ये बताते हैं कि रिमोट में RC में हमारे कितनी बैटरी है। उसके बाद हम लोग DJI Fly ऐप को खोल लेंगे, और यहाँ पे खुद से ही ऑप्शन आ रहा है GoFly का। सो जैसा कि आप देख पा रहे होंगे कि इस टाइम तो अभी देख सकते हो कि गिम्बल कैमरा शुरू हो चुका है, और अभी हमारा प्लेन जो है, हमारा जो ड्रोन है, टेक ऑफ के लिए तैयार है। ठीक है, उसके बाद जो टेक ऑफ की शॉर्टकट की है, या तो आप ये जो साइड में टेक ऑफ वाला जो बटन है इसे क्लिक कर सकते हैं, तो इससे भी आ जाता है, और या फिर एक शॉर्टकट है, दोनों नॉब्स को अगर हम अंदर की तरफ नीचे करेंगे तो हमारा ड्रोन देख सकते हो आप कि घूमने के लिए तैयार हो चुका है, और आवाज़ भी आती है उसमें टेक ऑफ। फिर से मैं एक बार बंद करके एक बार फिर से दिखा देता हूँ, दोनों नॉब्स को नीचे की तरफ करके छोड़ देना, टेक ऑफ की आवाज़ आती है। ठीक है, उसके बाद जो हमारा लेफ्ट वाला नॉब है, ये इसे ऊपर करेंगे तो ड्रोन ऊपर जाता है, और नीचे करेंगे तो उसकी एल्टीट्यूड कम होती है। तो सबसे पहले सिंपली हल्के से आप जैसा कि देख पा रहे होंगे, सो फर्स्ट टाइम में ये चीज़ का बिल्कुल ध्यान रखें, और दूर कर देते हैं। तो फर्स्ट टाइम में सबसे मेन चीज़ इस चीज़ का जरूर ध्यान रखें कि धीरे धीरे अपने ड्रोन को ऊपर ले जाएं। उसके बाद जो हमारा राइट वाला नॉब है, इसे अगर हम पीछे करेंगे तो ये ड्रोन के गिम्बल के ऑपोजिट डायरेक्शन में ड्रोन पीछे जाएगा, और जब हम इसे आगे करेंगे तो वो गिम्बल की डायरेक्शन में आगे बढ़ेगा। सो ये हमारे मेन कंट्रोलर हो गए, जिससे हम ड्रोन को फर्स्ट बारी में उड़ा सकते हैं, और लेफ्ट वाला हाइट को कंट्रोल करने के लिए। और जैसा कि आपको पता होगा कि इंडिया के नॉर्म्स के हिसाब से मैक्सिमम हम लोग 15 मीटर तक ही उड़ा सकते हैं, तो जैसे ये अपनी मैक्सिमम हाइट पर पहुँच जाता है तो हमारे पे कॉशन, एक मतलब वार्निंग आ जाती है। फिर से मैं सुना देता हूँ उसे, जैसे अभी, और इसमें ऐसा सीन है जैसे कि अगर आप अपनी छत से उड़ा रहे हो सो वो छत से 15 मीटर काउंट करेगा, ग्राउंड से नहीं। सो ये एक एडवांटेज है, अगर आप अपने टॉप फ्लोर या छत के ऊपर जाके उड़ाते हो तो फिर उसके बाद वहाँ से वो ऊपर और 15 मीटर जाएगा, और फिर जब जब वो 15 मीटर जाएगा तो फिर एक वो वार्निंग देगा। सो दिस इज़ द वार्निंग जो 15 मीटर पहुंचने के बाद ये देता है, और इंडिया के नॉर्म्स के हिसाब से इतना ही ऊपर जा सकता है। अब आप कुछ ड्रोन शॉट्स इन्जॉय करो, और इंस्टाग्राम आईडी मैं अपनी नीचे दे दूंगा, इवन कमेंट्स में, या फिर इंस्टाग्राम पे आके आप ड्रोन से रिलेटेड कोई भी क्वेरीज वगैरह अपनी पूछ सकते हैं।
सो आई होप आपको ड्रोन शॉट्स बहुत पसंद आए होंगे, और अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब आपकी खुद की मर्जी है, कर देना अगर पसंद आए तो। उसके बाद अब मैं दिखाता हूँ ये फीचर रिटर्न टू होम बटन का क्या फ़ायदा होता है, क्या चीज़ होती है वो, ठीक है। जैसे कि हमारा ड्रोन इस टाइम बहुत दूर चला गया, ठीक है, अब हमें दिख ही नहीं रहा है, और ऐसे मतलब एकदम इतनी महंगी चीज़ है, डर भी लग जाता है। सो हमें RC पे जो हमारा लैंडिंग वाला बटन है उसको केवल थोड़ी देर तक प्रेस करके रखना है। गो होम। सो हमारा जो ड्रोन है अपने आप कितनी दूर भी था सेम अपनी होम लोकेशन पर आ जाएगा और अपने आप लैंड होने लगेगा। और अगर मेन अपनी लोकेशन पर आते वक्त अगर landing. आपको ड्रोन को जस्ट एकदम रोकना है, सो सेम पॉज बटन को हमें ट्रिक कर देना है एकदम, कि अगर वो किसी भी पेड़ या किसी चीज़ से टकराने वाला है। तो मैं अभी कुछ नहीं कर रहा हूँ, इसे लैंड करा देते हैं। लैंड कराने के लिए सेम जो टेक ऑफ वाला बटन था उसी पे ये लैंड पे हमें क्लिक करना है landing. अपने आप सेम लोकेशन पे ये धीरे से लैंड हो जाएगा। सो ये फ़ायदा है रिटर्न टू होम बटन का कि ड्रोन बहुत दूर चला गया था, हमें दिख ही नहीं रहा था कहाँ पे है। उसके बाद हमने रिटर्न टू होम बटन दबाया, जब ड्रोन अपने आप मैक्सिमम हाइट पे आएगा, और जो मैक्सिमम हाइट किस हाइट पे आना है वो हम ऑटो RTH एल्टीट्यूड से सेफ्टी पैनल में जाके इसे सेट कर सकते हैं, ठीक है। तो ड्रोन सीधा उस हाइट पे अपने होम लोकेशन के टॉप पे आएगा, फिर धीरे धीरे उसी जगह पे लैंड कर जाएगा। तो ये रिटर्न टू होम बटन काफ़ी लाइफ सेविंग टाइप का होता है ड्रोन के लिए, क्योंकि जब दूर चला जाता है तो इससे हम अपनी सेम लोकेशन में मंगा सकते हैं ड्रोन को, और लैंड करना ईजिली वही सेम बटन मैंने बताई दिया था कि जिस बटन से हम टेक ऑफ करते हैं उसी को हम लैंड कर सकते हैं। सो आई होप आपको वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी होगी, और अगर पसंद आए तो चैनल को ऐसे ही सब्सक्राइब कर देना, और आप लोगों का सपोर्ट चाहिए हमें ऐसे ही ग्रो करने के लिए, मस्त अपनी फर्जी फैमिली को हम बहुत बड़ा करके एकदम मिलियंस तक पहुँचानी है हमें। तो इस टाइम मैं हूँ नैनीताल में, शॉर्ट्स वगैरह कैसे लगे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना एक बार, ठीक है। चलो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और थैंक यू मंदा हमारी मस्त वीडियो बनाने के लिए। सो उपाधि का कॉल क्यों आ रहा है यार ऐसे में।